मुझे स्टमक पेन हुआ था। मैं 3 मंथ्स तक मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। पापा जो है वो बहुत सफ़र हो रहे थे कि बच्ची को क्या हो गया, मेरी बेटी को क्या हो गया, बेड पे सो रही है, बैठे बैठे वो कुछ नहीं खाती, वाटर भी नहीं पीती, बस सोई रहती है सोई रहती है। कुछ पुकारे तो बस, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेड जो है बाहर डाल दिया हॉल में। नमस्ते, मेरा नाम जैस्मिन सुल्ताना है और मैं आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से बिलोंग करती हूँ। और 2005 में मैंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कदम रखा और एक्चुअली मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और ये जर्नी मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए पिछले जन्मों के कर्मसार कह दीजिए या फिर मेरे जन्म संस्कार कह दीजिए या फिर जहाँ से मैं रिलेटेड जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वहाँ का रिलेटेड कह दीजिए, क्योंकि मुस्लिम्स फैमिली में भी स्पिरिचुअलिटी बाय बर्थ होता है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सब कुछ हमारे यहाँ बचपन से होता है। बिना कुछ देखे कुरान को आप बाय हार्ट भी करना पड़ता है। इस तरह से हम लोग बचपन से ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शुरू से है और स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आने के बाद ये और भी गहरा हो गया है। मेरी जो फैमिली है वो पूरी तरह से मुस्लिम्स फैमिली है। मैं, मेरी बहन, मेरे डैड, मेरे मॉम, मेरे भाई, हम सब, हम तीनों बहनें और एक भाई है। मेरी जो दूसरी बहन है वो भी वंडरफुल स्पिरिचुअल मास्टर है और मैं भी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं 2005 में नए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने का मुझे मौका मिला, क्योंकि उसके पहले क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे रूल्स होते थे, बहुत सारे स्ट्रिक्ट्स होते थे। कहीं आना जाना, लोगों से बातचीत करना, काफ़ी कुछ हमें रूल्स और रेगुलेशन के बीच में हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। एडुकेशन इज़ एडुकेशन, बट साथ में बहुत सारे रूल्स भी होते थे कि आप यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती थी। बहुत सारे रूल्स के साथ हमें हमारी परवरिश हुई थी। और इसी दौरान हमें कुरान भी बाहर करना था, हमें प्रापंचिक नॉलेज के साथ साथ हमें स्पिरिचुअल, जैसे कि कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, जिसके जो भी आयतें होते हैं हमें बाहर भी करना होता था। हम वो भी करते थे, अपने फैमिली लाइफ में हम लोग वंडरफुली लाइफ भी लीड करते थे। इसी ज़रिए जो मेरी थोड़ी हेल्थ जो प्रॉब्लम हुई थी, इसी दौरान मेरी बहन जो टीचर थी स्कूल में, उनके स्कूल में एक बार एक पॉम्पलेट आया था 2005 में। हमारे एरिया में एक पहला पिरामिड का स्थापित हुआ था, उनका नाम चंद्रकेश्वर रेड्डी था, उन्होंने पहला पिरामिड बनाया था। उनके यहाँ एक पॉम्पलेट आया था, मेरी बहन ने कहा कि देखो तुम ये पॉम्पलेट वगैरह हमारे स्कूल में आया है, कुछ स्पिरिचुअल वगैरह कह रहे हैं, तुम ट्राई करो क्या हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग हर रोज़ मैं वॉकिंग पे जाया करती थी, थोड़ा बहुत मेरा हेल्थ इशू हो गया था, मुझे थोड़ा स्टमक पेन वगैरह होता था। एक्चुअली बात यह थी कि मैं, मेरे जन्म संस्कार से ये जुड़ा होता कि मैं श्री महाविष्णु मूर्ति, विष्णु जी है, भगवान श्री महाविष्णु जो है, मैं उनकी वन ऑफ द सोल हूँ, उनके सोल में से मैं जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि मुझे इसी तरह मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी, लेकिन मैं मुस्लिम थी, लेकिन मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी, बहुत प्रेम करती थी, लेकिन किसी को बताती नहीं थी कि क्यों मैं, अगर मैं किसी को कह दूंगी घर में, ये लोग सोचेंगे कि ये मुस्लिम लड़की है, ये हिंदू लोगों को क्यों मान रही है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट दे रही है। मैं अपने घर पे भी नहीं बताती थी, जो भी बात थी मैं अपने बहन से शेयर करती थी, क्योंकि हम दोनों बहुत वंडरफुल फ्रेंड्स थे। हम जो भी बात थे आपस में, हम बहुत फ्रेंडली से हम सब कुछ शेयर करते थे। मैं उसे कहती थी कि मैं, मुझे पता नहीं क्यों मैं विष्णु जी से इतना लगाव है मेरा, क्यों इतना जुड़ी होती हूँ। कहीं भी कोई प्रवचन वगैरह सुनाते हैं आसपास जो मंदिर में, मुझे लगता था कि मेरा अंदर से जो सोल है वो हिल जाता था, बहुत कनेक्टिव लगता था, बहुत अच्छा लगता था, फील होता था मुझे। फिर चलो शायद आसपास का जो माहौल है, इसी वजह मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो इसी तरह कुरान भी पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी, साथ में अंदर जो विष्णु का जो प्रवचन होता था मैं कहती थी ओम नमो नारायण नारायण।
जो स्लोगन जो है अंदर से आता था मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। मैं साइलेंटली कहती थी, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता तो मैं कहती थी महाविष्णु जी आप मेरे साथ हो, मेरे गाइडेंस हो, मुझे लगता है कि आप मेरे गाइडेंस है, तो आप मेरे इस प्रॉब्लम को थोड़ा क्लियर करने में मेरी मदद कीजिए। मैं जैसे ही सोचती वो फ़ौरन वो जितना भी बड़ा इशू वो सॉल्व हो जाता था। इस तरह मुझे अंदर और भी अच्छा लगने लगा कि कोई है जो मेरी बात सुन रहा है। जो लोग कहते हैं कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, ये सबसे मैं ज़्यादा ये नहीं करती थी, ये सब बेकार की बात है, ये लोगों का मानना है, कि मैं नहीं मानती क्योंकि मेरा शरीर तो मुसलमान का है, मेरे अंदर जो आत्मा है वो किसी और को मांगता है, किसी और को पूछता है, मैं दिल से उन्हें मांगती हूँ, क्यों कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। इतनी आसानी से तो कोई अपने अंदर जुड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ कुरान पढ़ने के लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, कुरान पढ़ना है, पढ़ाना है, मस्जिद में जाकर नहीं पढ़ सकते, मैडम्स को घर आकर पढ़ाना होता है। उस समय कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे, पैसे देकर पढ़ाने पर भी वो नहीं आते थे, मुझे उनके घर जाकर मुझे उनका घर का सारा काम करना पड़ता था कुरान पढ़ने के लिए। मैं घर आकर अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहती थी, अगर उनसे कह दूँगी तो मुझे मना कर देंगी। इसी तरह मैंने 3 ईयर्स मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने कुरान सीखने के लिए मैं उनके घर में बहुत काम करती थी, उनके बच्चों को हेल्प करती थी, उनको बहुत सारे सर्विस भी करती थी, तब जाकर मुझे कुरान पूरा करने का मौका मिला। 3 ईयर्स पढ़ा मुझे पढ़ाई करने के लिए, मैं अपनी अपनी फिजिकली पढ़ाई भी करती थी, कुरान भी पढ़ती थी, और इनरली जो मेरी जो फीलिंग्स थी कि विष्णुमूर्ति भगवान के लिए मेरी इतनी फीलिंग्स क्यों हो रही है, इस तरह से जो फीलिंग होता है ना, एक द्वंद्व होता है ना, जो विभिजन अंदर से एक जो आवाज़ होती थी बहुत हिल जाती थी, मैं कंफ्यूज होती थी कि इतना प्रेम भरा फीलिंग क्यों होता है अंदर से। इस दौरान जो मेरी थोड़ी हेल्थ मेरी जो प्रॉब्लम आई थी वो शायद इसी थ्रू मेरा मोल्ड होना था स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल जर्नी मेरी स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए शायद मुझे स्टमक पेन हुआ था। मैं 3 मंथ्स तक मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, पापा जो है वो बहुत सफ़र हो रहे थे कि बच्ची को क्या हो गया, मेरी बेटी को क्या हो गया, बेड पे सो रही है, बैठे बैठे वो कुछ नहीं खाती, वाटर भी नहीं पीती, बस सोई रहती है, कुछ पुकारे तो बस। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेड जो है बाहर डाल दिया हॉल में लाकर मेरे बेड डाल दिया। मुझे इतनी सीवियर हो गई थी, मैं मुझे ठीक से हिला भी नहीं जा रहा था, मैं बहुत वीक हो गई थी। इस तरह पता नहीं कितने हॉस्पिटल्स को दिखाई दिए थे, बहुत से जगह जाना भी हुआ आना भी हुआ, फिर फाइनली एक हॉस्पिटल गए तो उन्होंने मुझे ज़्यादा मेडिसिन कुछ नहीं किया, एक इंजेक्शन दिए, उन्होंने कहा कि मुझे पूरे चेक किया, ये बच्ची को आप ना थोड़ा ओपनली छोड़ दीजिए, इतना ट्रीट किया, इतना कुछ आप थक गई है, बॉडी साथ नहीं दे रहा, आप उसको फ्री छोड़ दीजिए, आप इसको ओपन एरिया में ओपन प्लेस में इसको थोड़ा रिलीफ छोड़ दीजिए, तब शायद वो थोड़ी थोड़ी नेचर में उसको स्पेंड करने दीजिए, तब जाकर शायद वो थोड़ा रिकवर करने लगे, थोड़ा वो अच्छी हो जाए। तो मेरे डैडी ने कहा जब तक मेरे डैड जो लड़कियों को बाहर आना जाना मना था, कहीं आने जाने से वो रोकते थे, जब डॉक्टर ने ये बात कहा तो उन्होंने कहा कि जाओ ओके अर्ली मॉर्निंग आप जाओ, मेरे जो हाउस ओनर की जो बेटी थी वो भी अर्ली मॉर्निंग जॉब के लिए जाती थी, उन्होंने कहा कि जाओ साथ में दीदी है, मैं कोई किसी बात को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ जाके जॉगिंग कर लो, अर्ली मॉर्निंग जाके वॉक कर लो, तुम थोड़ा स्पोर्ट्स में थोड़ा आप पार्टिसिपेट कर लो, शायद आपको हेल्थ अच्छा लगने। इस दौरान जब मैं मॉर्निंग वॉक को जाया करती थी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ बहुत से स्पोर्ट्स होते थे, बहुत से बच्चे आके हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते, बास्केटबॉल खेलते, वहाँ वॉकर्स भी होते हैं, मैं वहाँ जाकर स्पोर्ट्स भी खेलती थी, मैं वॉकिंग भी करती थी। इसी तरह मेरी जो दूसरी बहन है अमन हनी अली खान, वो स्कूल में जो उनके यहाँ स्कूल जब उस वक्त वो टीचर थी, उनके स्कूल में एक पॉम्पेट आया था, कि उन्होंने कहा कि देखो एक पॉम्पेट आया है, कहीं पिरमिड बनाए हैं आसपास, शायद तुम जाकर देखो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। इस तरह मैं जब मैं वहाँ गई, पहली बार गई थी वहाँ पिरमिड में, मैं वहाँ बैठी सिटिंग किया, अब सोच भी नहीं सकते कि जब मैं वहाँ बैठी थी मेरे अचानक से मेरे स्टमक में इतनी ज़ोरों से पेन होने लगी, मुझे लगा जैसे कोई मेरे अंदर स्टमक में हाथ डाल के तो मुझको पूरी तरह से मोल्ड कर रहा है, कोई हिला रहा है अंदर से, मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से वॉमिटिंग सेंसेशंस हो रही थी। जब भी वो जो पिरमिड की जो अंकल उनकी जो वाइफ थी वो अचानक से ऊपर आई, उन्होंने कहा कि देखा मैं हिल रही थी, मैं डिस्टर्ब हो रही थी, मेरे को हेडेक आ रहा था, मैं वॉमिटिंग्स स्टार्ट होने वाले थे, उन्होंने आकर पूछा कि क्या बात है बच्चे तुम क्यों डिस्टर्ब हो रही हो, मैंने कहा आंटी कि मुझे वॉमिटिंग सेंक्शन हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलो बाहर जाओ आप जाके वहाँ वॉमिटिंग्स कर लो।
शायद आपको रिलीफ होने लगे। फिर मैं बाहर गई, मैंने वॉमिटिंग्स भी कर लिया, वाटर से थोड़ा फेस वॉश भी कर लिया, फिर आकर मैं सीटिंग में बैठ गई। तब मुझे सीटिंग में बैठने के बाद मैं 4 आवर्स में फर्स्ट टाइम मैं मेडिटेशन में बैठी और मुझे अंदर से मैसेज ये आया कि जो स्टमक पेन जो भी मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था वो पास्ट लाइफ से था, मास्टर्स ने मेरे फर्स्ट सीटिंग में मुझे क्लियर कर दिया और मैं इस खर्मा से मैं मुक्त हो गई। मेरी फर्स्ट सीटिंग थी और वंडरफुली ये मेरा जर्नी जैसे स्टार्ट हुआ उस दिन से मैंने कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस नहीं किया। और इस दौरान मैं और मुझे अच्छा लगने लगा कि वाह इस कुछ बात है, समथिंग कुछ है। इसलिए मेरी जो इतने दिनों से जो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी अचानक से ठीक हो गया, तो इस पिरामिड में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इस मेडिटेशन के जो कॉन्सेप्ट है इसमें समथिंग कुछ ना कुछ ज़रूर डिफरेंट है, जो फर्स्ट सीटिंग में इंसान को अपने आप से अलग कर देता है। ये कहता है कि आप जो फिज़िकली दिख रहे हो वो आप नहीं हो, आपके अंदर कुछ और ज़रूर है, वो आपको कुछ सिखाने को कह रहा है, कुछ बता रहा है। आप देखो कि अंदर जर्नी करो, आपको पता चलेगा। ऐसे मुझे फर्स्ट ही लगा। फिर नेक्स्ट टाइम ये जो एज अ मुस्लिम है वो तो नॉनवेज होता ही है, बर्थ सब लोग खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, सब खाते हैं, तो मेरे फैमिली में होता था। लेकिन वो क्या है ना, बाय गॉड उनकी जो हेल्पिंग है बहुत जल्दी जल्द से जल्द मुझे इस नॉनवेज वर्ल्ड से निकलकर मुझे पीसफुल और वेजिटेरियन लाइफ में आने का मौका मिला। और वह ऐसे मिला, एक दिन क्या हुआ कि मैं मेडिटेशन में बैठी थी, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि मेरी फर्स्ट मेडिटेशन में हीलिंग हो गई थी, मैं हर दिन आकर मैं घंटों घंटे मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी, मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी मैं थी और साथ ही मैं मेडिटेशन करने के लिए मैं पिरामिड में आती थी, मैं रात भर मेडिटेशन करती थी। मैं एक मौका मिलता जो सारे बच्चे होते जो बाहर एंजॉय करते थे, लेकिन उस समय मैं पिरामिड में आकर मैं मेडिटेशन करती थी। मुझे जानना था इसके बारे में, सीखना था कि इसके अंदर क्या है, ये क्या है, मुझे जानना था। इसलिए मैं वहाँ बैठकर मेडिटेशन करती थी। घर में जो है सब लोग नॉनवेज की बात हो रही थी, मैं धीरे धीरे उस वर्ल्ड से निकल के बाहर आ रही थी। थोड़ा मेरा सोल जो है उस पर्सनल फिजिकल लाइफ से, जो नॉनवेज लाइफ है, जो प्रापंचिक लोग है, मैं उससे धीरे धीरे निकल कर मैं अलग होने जा रही थी। उस लाइफ से मैं अलग आ रही थी, मैं अलग हो रही थी धीरे धीरे से। उस वक्त मुझे वो फूड जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे अंदर से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि मैं क्या करूँ। मैं अपने पेरेंट्स को बता रही हूँ, वो सुन नहीं रहे हैं। मैं घर जाकर अपने घर वालों को बताती हूँ कि आज ये क्लास हुआ, आज वो क्लास हुआ, आज ये प्रवचन दिया गया, इसके बारे में बताया गया, सोल्स के बारे में बताया गया, अस्तित्व के बारे में बताया गया, भगवान के बारे में बताया गया, आत्मशुद्धि के बारे में बताया जा रहा है, शाकाहार बारे में बताया जा रहा है। वो सब सुनते थे लेकिन सब अपना ही काम करते थे। ये देखिए आप नॉनवेज खाओ, आप क्यों नहीं खाते, हम लोग नॉनवेज खाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं खाती। मुझे एक द्वंद होता है ना जो फिर से स्टार्ट हो गया। मैं उनको समझा पा रही हूँ, वो सुनते नहीं है, ज़बरदस्ती में उसको खिलाने की कोशिश करें, मुझे नहीं खाना है। इसी कश्मकश में एक दिन मैं पिरामिड में आई, मैं मेडिटेशन में बैठी थी और मैं रो रही थी। मैं अपने अंतर भगवान से कह रही थी कि क्या है, मुझे इस वर्ल्ड में नहीं जाना है, मुझे ज़बरदस्ती खींच रहा है इसमें, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। उस वक्त मैं ध्यान में बैठी थी, डीपली चली गई थी 15 मिनट्स के थ्रू, एक इतना डीपली चली गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा कि ये स्वप्न है, ये स्पिरिचुअल में एक मैसेज है, या फिर सच में प्रैक्टिकली हो रहा है। मुझे डिफरेंस भी पता नहीं चल रहा था। मैं मेडिटेशन में बैठी थी, किंग चैम्बर में बैठी थी, वो सिंगल किंग चैम्बर था, 14x14 पिरामिड था, छोटा पिरामिड था, वो सिंगल किंग चैम्बर, एक ही पर्सन बैठ सकता था। मैं उसमें बैठ गई थी, मुझे बैक पेन भी स्टार्ट हो रहा था, लेकिन मुझे जानना है, मुझे इससे बाहर निकलना, मुझे इसका आंसर चाहिए। मैं मेडिटेशन में बैठी थी और अचानक से एक विजन ऐसा देखा कि मैं बैठी थी विजन में, आसपास एक स्नो जैसा हो रहा था, मेरे हाथों में एक छोटा सा पिजन था, कबूतर, उसको मैं सहला रही थी, प्यार कर रही थी अपने हाथों से, उसकी नरमाई को, उसके प्यार से मैं उसको अपने करीब लेकर मैं खुशी से साथ खेल रही थी। फिर अचानक से एक पुरुष आए, उन्होंने मेरे हाथों से वो पिजन को ले लिया। मैं सीरियस हो गया, आप क्यों ले रहे हो मेरे हाथों से। और उन्होंने क्या किया, मेरे देखते देखते पिजन का जो गला होता है नेक, उन्होंने फोल्ड कर दिया। मैं इतना रोई, मैं उसको, ये क्या कर रहे हैं आप, पिजन का गला आपने मोल्ड कर दिया, वो तो मर गया। तो पुरुष कह रहे थे क्या हो गया, मर गया है, नॉन वेज है तो खा लो आप। मुझे मैं कन्फ्यूज हो गई थी, ये क्या कर रहे हैं, मैं खेल रही थी, ये आकर मेरे हाथ से पिजन छीन लिया और ऊपर से कह रहे खा लो।
इतना ही नहीं, वो ये कहकर वो इससे रुके नहीं, वो और आगे बढ़े और उन्होंने कहा, एक नाइफ ले लिया, अपना जो थाई होता है ना उसे कट कर दिया, उसका एक जो मीट निकाल के मेरे हाथ में रखा, खाओ, वो नॉनवेज तो इधर मतलब है ना, आप खा लो। मैं इतना डर गई थी, उनको वो कोई ऊपर कोई और नहीं, पत्री सर है, ब्रह्मशी पत्री जी सर है, वो उनका विजन में वो दिखाई दिया, उन्होंने कहा कि क्या हो गया, वो तो क्या आपको नॉनवेज से मतलब है। मैं इतने डर गए, इतने हिल गए और मुझे इतना रोना, मैं इतनी गिड़गिड़ा के उनके पैरों में पड़ के रोई कि मैं अब कभी भी नेचर के साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी, मैं नेचर के साथ रहूँगी, मुझे कभी मुझे द्वंद के साथ नहीं जीना है, मुझे जीना है तो सिर्फ नेचर के साथ जीना है, अपने भाई बहनों जैसे पशु पक्षी जो भी सब मेरे अपने हैं मुझे उनके साथ रहना है, मुझे ये सब नहीं खाना है। मैं अब कभी भी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको सर, मैं कभी से छूँगी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि चलो आप तो ठीक है, तुम प्रॉमिस करती हो? मैंने कहा हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक हो, आप जाके आँखें बंद करो। मैं डर रही थी लेकिन फिर मैं आँखें बंद करके मैं बैठ गई। फिर अचानक से वो पूरा वातावरण ऐसा हो गया कि हरा भरा नेचर, रेन पड़ रहा था, स्नो हो रहा था, खूबसूरत लेक हो गया, बटरफ्लाइज हो गए थे। फिर मैं देखे, जब उन्होंने कहा कि आँखें खोलो, मैं आँखें खोल देखे कि पत्री सर व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस में पहने वो एकदम ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मैंने कहा कि क्या है सर? ये लो तुम्हारा पिजन, आप लो इसको लो और उड़ा दो आकाश में। जैसे वो आकाश में खुली सांस के साथ उड़ रहा है, सर तुम्हें भी आकाश में जाना है, पूरे वर्ल्ड में फिरना है, बहुत कुछ करना है। वो अनुभव था, मैंने ज़िंदगी में कभी फिर पलट कर नॉनवेज का चेहरा नहीं रखा। मेरे घर में चाहे बहुत से लोग फोर्सेस किए, मेरे घर वालों ने, रिलेशंस में जहाँ भी हम फंक्शंस जाते थे, कहीं भी जाते थे, हम फंक्शंस अटेंड ज़रूर करते थे लेकिन वहाँ फूड को टच भी नहीं करते थे। बहुत से ताने भी सुनने को मिले, कहते कि क्या हो गया, नॉनवेज नहीं खाएगी लड़की, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया लड़की का, नहीं तो हिंदू की तरह बात करिए, ये कुछ सीख रही है ऐसे, कोई मेडिटेशन कर रही है, नॉनवेज नहीं खाएगी। मैंने कहा कि ठीक है, आपको नहीं समझना तो नहीं समझिए। मैं बस एक बार मैं फैटिंग भी कर चुकी थी, तो कुरान में लिखा है आपको क्या नॉनवेज खाना है, कि आप बताइए कौन से कुरान में लिखा है। मैं पूरा गंद पाठ कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ लिखा है कुरान में। भगवान खुदा ने नहीं कहा है कि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुशी के लिए आप किसी जीव को हत्या कर दें। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में आप प्रवचन कहते हैं, वो एकदम ग्रेट सोल है, उन्होंने भी तो कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप मेरे मार्ग में चलो, आप भगवान के करीब जाओ, आप खुदा के दिए रास्ते पर चलो, आप सच्ची के मार्ग चलो। अब ये नहीं कहा कि आप हिंसा के मार्ग में चलो, दूसरों को तकलीफ दो, किसी जीव को आप नष्ट दो। उन्हें इतना कहा कि उन्होंने यही कहा, मेरे ऊपर भी एक भगवान है, मैं उनका एक मार्ग हूँ, उनका एक जरिया हूँ, जो आप लोग सब कह रहे हैं कि मेरे मार्ग पर आप चल रहे हो तो उनके मार्ग पर चलो। उन्होंने ही कहा है कि पूरी सृष्टि मेरी बनाई हुई है, मेरे सृष्टि में सब समान है, सब एकता है, किसी में द्वंद नहीं है। जब मैंने नहीं कहा तो तुम कौन होते हो प्राणियों को अलग अलग करके उनको खाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीव चापल्य के लिए आप उनका हत्या कर दो। ये किसी ने नहीं कहा, किसी खुरान में नहीं लिखा, सब में एकता समान है, सब में प्रेम भाव है। खुदा बस इतना ही कहते हैं, सबको एक साथ लेकर चलो, सब में एक ही आत्मा है, सब मेरे अपने आत्मा से जुड़े हैं, हम सब एक ही है, अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को तकलीफ ना दो, इतना ही प्रवचन लिखा है। आप बताइए कहाँ वो पॉइंट है, मैं आपको आंसर दूंगी। ये कहने के बाद वो लोग साइलेंट हो गए। फिर उन्होंने कहा कि चलो इससे बात नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे तो ये उल्टा हम ही को क्लास ले लेगी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी मुझे किसी को फोर्स नहीं किया, मैं नॉनवेज नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं करती थी, मैं मेडिटेशन करती थी, मैं घंटों घंटे मेडिटेशन करती थी, पौर्णमी मेडिटेशन करती थी, मैं अमावस्या का मेडिटेशन भी करती थी। इसी थ्रू मेरे अंदर हीलिंग प्रोसेस करने का जो एनर्जी लेवल्स है, वो आरा जो लोगों का जो आरा होता है, जो किसी का जो लेवल होता है एक फिजिकली, जो मेडिटेटर्स होता है उनका जो आरा होता है मुझे दिखाई देता है कि ये कौन से स्टेज में है, इनका लेवल कौन सा स्टेज है, इनका आरा कैसा है, इनका मेंटली थॉट कैसा है, इनका सोच कैसी है, ये फिजिकली और स्पिरिचुअल के बीच में कहाँ पर खड़े हुए, ऐसा मैं आरा भी देख सकती थी। और साथ में मैं हीलिंग भी करती थी, कुछ समय तक मैं हीलिंग करती थी बहुत से लोगों को, जो हेल्थली जिनको प्रॉब्लम होता था, फिजिकली जो प्रॉब्लम होता था, जो सोल्स होते थे, जो एंड स्टेज होते थे, उनका जो बॉडी विकेट करने का स्टेज होता था, मैं उनको भी हीलिंग करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक मौका मिले सबको
क्योंकि इतनी जल्दी किसी का ये नहीं है कि आप बॉडी लेकर आए हो, आप चले जाओगे, कुछ किया नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ नॉलेज नहीं लिया, बस आए हो, खाए हो, पिए हो, लाइफ लीड किया, चले गए हो। मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा जो वर्क था, मैं चाहती थी कि सबको नॉलेज मिले, ये जो नया जीवन उनको मिलने वाला है इस मार्ग से वो ध्यान मार्ग में आ जाए, ये मेरी कोशिश होती थी। मैंने बहुत से बच्चों को, बहुत से जेंट्स को जो लास्ट स्टेज होता है जो हेल्थली, उनको मैंने हीलिंग किया था। करते करते कुछ दिनों के बाद मास्टर्स का एक मैसेज आया कि तुम डायरेक्टली मत करो, ऐसे करोगे तो उनका खर्मा जो है आपको ऐड हो जाएगा, आप उसको ले रहे हो, आपको लेने वाला हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आप सिर्फ बीच में एक हो जो होता है ना, ब्रिज होता है जो बीच में होल्डर होता है ना, बीच में आप वो एक मार्ग, आप एक सिर्फ एक एक, एक मार्ग बनो, उनको कह दो कि वो खुद मेडिटेशन करे, वो अपने आप हील कर ले अपने आप, वो उनको सिर्फ जरिया बताओ कि कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे खुद को हीलिंग करना है, कैसे मास्टर्स को आप इनवाइट करना चाहिए, किस तरह से आप यूनिवर्सल मास्टर्स को, एसल सर्जन मास्टर्स को आप बुलाकर खुद को आप हील करके आप ठीक कर सकते हो। ये सब करने से पहले आप उनको क्लियरली बता दो कि आप शाकाहारी हो जाए, आप अपने आप को आप परमात्मा के करीब लेकर जाओ, आप ध्यान करें, ध्यान के थ्रू आपको अपने आप आपको सारे कर्म निकल जाएंगे, आप हील भी हो जाओगे, आप खुद भी अच्छी लाइफ जियोगे और दूसरों के भी आप मार्गदर्शक बनोगे, कई लोगों के आप एक एक, एक मार्ग बनने के एक जरिया बनोगे पूरे विश्व भर में जो अज्ञान की स्थिति में जो लोग हैं, क्योंकि बियॉन्ड वर्ल्ड है ये, कितने लोग हैं आजकल जिन्हें मेडिटेशन के बारे में पता है, बियॉन्ड करोड़ों लोग, अरबों लोग हैं इस दुनिया में, कितने लोगों को पता है मेडिटेशन के बारे में, मिनिमम में कुछ लैक्स या फिर एक टू थाउजेंड क्रोर्स लोग को जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं ना। और जैसे अब हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में हो या फिर आसपास की जो नॉर्थ साइड में हो, जैसे गरीब से गरीब जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, उस तरह फॉरनर्स में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले लोगों से जुड़े हुए, जो आज तक आज भी जो अनपढ़ लोग हैं फॉरनर्स में भी, जो गरीब लोग होते हैं वहाँ भी फार्मर्स है, वहाँ भी एडुकेटेड पीपल्स है, आज भी वो लोग जो कहते ना जो एक कैस्ट में होता है ना, जो लो कैस्ट होता है, जो लोग आज भी शाकाहारी मांसाहारी खाते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीकन लोग, वेस्ट इंडीज लोग, वो सब जो है आज भी ऐसे कम लोग हैं जहाँ खाना भी नहीं मिलता ठीक से, पहले वो कपड़ा नहीं मिलता, उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती, वो आज भी जो है फॉरेस्ट में जाते हैं, आप जानवरों को आप ये कर जानवरों को आप पार करते हैं, उनको हंट करते हैं, वो लाकर खाते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। आप जब पूरी तरह से बियॉन्ड की तरह से आप पहले खुद बदलोगे, खुद आप सबसे पहले आप अपने आप को पूरी तरह से पूर्ण करेंगे, तभी आप पूरे विश्व के लिए आप काम कर सकोगे, ये मेरा मानना था, इसलिए मैं जो भी काम करती थी इसी थ्रो करती थी। इसी तरह कर्म सिद्धांत को भी मैंने जाना, जैसे मेरे लाइफ में मेरे डैड थे, मेरा जो अटैचमेंट था बहुत सारा अटैचमेंट था मेरे फादर से, ये हम तीनों बेटियाँ थी तो भी उन्होंने कभी भी हमें अलग नहीं देखा, मतलब बेटा और बेटी दोनों समान थे, वो इतना वंडरफुल डैड थे मेरे डैड, सच में इज अ वंडरफुल ग्रेट फादर। जैसे होता है ना बेटियाँ होती जो फादर के होते हैं, बेटे जो होते हैं मम्मा के होते हैं, सिर्फ मेरे डैड की जो मेरे फादर लास्ट डॉटर थी, तो इस दौरान जो है मेरे डैड मेरे मेडिटेशन में आने के कुछ दिनों के बाद वो अचानक से हार्ट फेल होकर वो गुजर गए थे, हमारे रमज़ान फेस्टिवल के थ्रू, अभी दो दिन फेस्टिवल था वो गुजर गए थे। मैं बहुत अटैच थी, मैं नई नई आई थी मेडिटेशन में, एक्चुअली जो कुछ लोग जो होते हैं ना कहते हैं कि मेडिटेशन में आने से ये हो गया वो हो गया, इसकी वजह से ये बुरा हो गया, छोड़ दो आप इसको, मैंने देखा है बहुत से लोगों को देखा, कुछ अच्छा होता तो ठीक है, कुछ बुरा होता तो कहते कि इसके ज़रिए से ये हो गया, ये क्या ज़रिया नहीं होता, ये ज़रिया नहीं क्या आपको आपके लाइफ में से कुछ बुरा हो गया, ये ज़रिया नहीं है, ये सब अपना अपना टाइमिंग के प्रकार होता है ना, सब अपने अपने डिज़ाइन के साथ अपने अपने प्रकार के साथ वो आते हैं, टाइम कम्प्लीट के बाद वो चले जाते हैं। इसमें कि इसमें मेडिटेशन का मैं आप सबसे कह रही हूँ दोस्तों, इसमें मेडिटेशन का स्पिरिचुअल का कोई ज़रिया नहीं है, ये आपको और आगे बढ़ाता है और ऊंचा ले जाता है आपको, और आपको गहराई से आपको समझने की, आपको अच्छे और बुरे की, सच्चा और झूठ की, आपको सत्य मार्ग चलने का जरिया बनता है। आप कभी भी प्लीज़ ऐसा कभी ना करें, आप सबको भी बताएं मेडिटेशन में आने से कुछ अच्छा हो जाए तो ये अच्छा है, बुरा हो जाए तो ये बुरा, ऐसा कभी नहीं है। आप देखिए हज़ारों लोग लाखों लोग जो इस दुनिया में आए हैं वो उनसे पूछे वो बताएंगे कितना वंडरफुल लाइफ है ये। सो इस जरिए क्या हुआ कि मेरे डैड गुजर गए थे, मैं बहुत अटैच थी उनसे, बहुत फील था, बहुत लव था उनसे,
फिर वो गुजर गए तो मुझे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि मैं नहीं आई थी मेडिटेशन में, फिर भी मैं मैनेज कर सकी थी, लेकिन अंदरली सोल जो होता है डैड से प्रेम होता है वो फील होती थी। इस दौरान क्या हुआ कि कुछ ही महीने गुजर गए थे, हमारे एरिया में जो मेरी एक फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो एक बिज़नेस स्टार्ट कर रही थी, उसने एक फंक्शन लॉन्च किया था, ओपनिंग फंक्शन, मैं वहाँ गई थी, उनने उससे मुझे इन्वाइट किया था, मैं वहाँ गई थी। और जब मैं वापस आ रही थी, फंक्शन पूरा ख़त्म हो गया, मैं वापस आ रही थी, तो क्या हुआ आप बिलीव नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है जो हम फिल्मों में देखते हैं, रियली मैंने अपनी लाइफ में देखा। एक जो 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 सन्स हैं, जो बेटे होते दो संत, अपने फादर को वो अपने घर से खींचते हुए बाहर लेकर आए, दोनों बेटों ने अपने डैड का मर्डर कर दिया बीच सड़क पे। मैं यहाँ थी, वो वहाँ थे, मैं गुजर रही थी क्योंकि हमारा घर कुछ आगे ही था। एक बेटा जो है अंदर से डैड को इतना बड़ा स्टोन लेकर उसका सर फोड़ दिया, एक बेटा जो इतना बड़ा नाइफ लेकर उसको अपने डैड को भोंक दिया और वो मर गए। फिर आप सोचिए कि मेरी मेंटल स्टेज क्या हो सकती है, बिकॉज आई एम ए डॉटर, आई मिस माई फादर एंड आई विल सी द ही इज अ फादर, दे आर सन्स इन द रिलेशनशिप, वॉट इज द रिलेशनशिप, इसमें क्या रह गया, अभी यहाँ रिलेशनशिप कहाँ रह गया है। मैं ये सोच रही थी क्या हुआ, मैं भी बेटी हूँ, मेरे फादर मुझसे दूर है, मैं इतना फील हो रही हूँ, वो जो बेटे अपने डैड का खून किया, यहाँ बंधन कहाँ रह गया, रिश्ते क्या हो गए, सब क्यों हुआ अचानक से। फिर मैं खड़ी खड़ी, फिर बहुत बड़ा हंगामा हुआ हमारे एरिया में, प्रेस आया, पुलिस आई, बहुत बड़ा टूर, बहुत प्रेस पेपर्स में हुआ, बहुत मुझे बहुत कुछ हुआ, मेरे आंखों के जरिए सब कुछ, और बहुत बड़ा सीन क्रिएट हुआ, बहुत बड़ा इश्यू हुआ हमारे एरिया में। फिर मैं वो देखी, मैं स्टन रह गई, फिर मुझे पता नहीं मैं कब अवेयर में आई, मैं घर चली गई, मैं घर जाकर अब मैं बेड पे सो गई। मुझे फीवर सा स्टार्ट हो गया क्योंकि मेरे अंदर एक फाइट चल रहा था, एक वॉर चल रहा था कि मैं सीख रही थी क्या हुए, ये क्या हो रहा है, मैं अपने डैड को मिस करके, मैं अपने डैड को गुजरे कुछ ही दिन हुए मैं ऐसा फील कर रही हूँ, और ये जो बच्चे हैं अपने डैड को खून कर दिया, ऐसा क्यों हुआ। मैं इतनी डीप ही चली गई कि मैं सोल्स तक चली गई, मैं गॉड तक चली गई, मैं मास्टर्स तक चली गई। मैं पूछ रही थी कि क्यों ऐसा हुआ कि जन्म इतना इतना दुर्बल है, कि रिश्ते इतने गिरे हुए हैं, कि लोगों को आपस में प्यार नहीं है, आपस में गहराई नहीं रहा, अपनों का वैल्यू नहीं रहा, रिश्तों के पीछे जो प्यार नहीं रहा, ये जो दिखावा जो कह रहे हैं, अपनों ही अपनों का अगर बलिदान कर दे तो दूसरों को आप क्या सिखाओगे, क्या मिलेगा आपको। इसी ध्वन में मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। और जो हमारे एरिया में जो पिरमिड, मैंने आपसे कहा था, जो चनकेश रेड्डी जो अंकल ने जो पिरमिड बनाया था, मैं बहुत सिंसियरली स्टूडेंट थी पिरमिड की, मैं डेली जाती थी, मेडिटेशन घंटे घंटे करती थी, मेरे बहुत से एक्सपीरियंस होते थे। वो हमारे घर आ गए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, बच्ची बेटी नहीं आ रही है। मेरी मॉम से आकर पूछा कि क्या हुआ, जो लड़की आपकी जो बेटी, मुझे बेटी कहते थे, वो कह रहे कि क्या हुआ, बच्चा ट्यूशन पिरमिड नहीं आ रहा है, क्या हुआ। मेरी मॉम ने कहा कि जो इंसिडेंट हुआ है हमारे आसपास घर में, बच्ची बहुत डिस्टर्ब हो गई है, वो मैं समझा रही हूँ, सुन नहीं रही है, क्योंकि मेरी आँखें खुली हैं, मैं देख रही हूँ, विश्व में देख रही हूँ, मैं ऊपर देख रही हूँ, मैं कहीं और देख नहीं रही हूँ, मैं ना खाना खा रही हूँ, ना पानी पी रही हूँ, मैं किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने आकर मेरे घर आए, उन्होंने मेरी मॉम से बात किया, उन्होंने कहा कि चिट्टी आप डिस्टर्ब मत होइए, मैं आपकी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊँगा, मैं धीरे से उसको भी से मैं आपको आपको मैं उसे अच्छा से समझा बुझा कर मैं आपको सौंप दूँगा। फिर उन्होंने मुझे अपने घर, फिर उन्होंने मुझे अपने साथ ले गए, मैं अपने पिरमिड गई थी। एक दिन पूरा मैं वही रही, पूरा दिन मैं वही रही, मॉम ने कुछ नहीं कहा, मैं वही रही, पूरा दिन वही गुजारी। कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड दिया था, पी लिया मैंने, उस दिन मैंने पिया था मैं, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं वन एंड ऑफ मंथ तक मैंने खाना पानी तक छोड़ दिया, लेकिन मेरी बॉडी प्रेजेंट थी, लेकिन अंदर मेरा माइंड ऑब्सेंट था, मैं कुछ खा भी नहीं रही थी। उस दिन मैं थोड़ा सा लिक्विड मैंने लिया था, उस दिन जो अंकल मुझे अपने घर ले गए थे। और उस रात वहाँ एक बहुत बड़ा क्लास चला, क्योंकि एवरी फ्राइडे वहाँ क्लासेस चलती है स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में, सज्जन सांगित जो कहते हैं ना, वो सब होती थी। तो अंकल ने, एक स्वामी सर थे, सीनियर मोस्ट प्रेमी मास्टर थे, उनको इनवाइट किया स्पेशली मेरे लिए। उस दिन वो आए थे, उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, क्या बात है, तुम क्यों डिस्टर्ब हो रहे। तो मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा हुआ हमारे यहाँ, ऐसा एक बच्चों ने ऐसा किया, मेरे डैड ने ऐसा हुआ, मुझे रिश्तों से वैराग्य हो गया है, जीवन से वैराग्य हो गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ आगे, मैं रुक गई हूँ, मेरे अंदर से एक ठहराव आ गया है,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे एक बुक ला कर दिया, वो बुक था कर्म सिद्धांत। और इस जरिए मेरे हाथों में कर्म सिद्धांत का बुक आया, मैंने बुक की पढ़ाई भी की। फिर जाकर तब मुझे समझ में आया कि जो भी हमारे लाइफ में होता है वो सब पिछले जन्मों का कर्म होता है। पिछले जन्म में आप जो भी करते हो उसको आप जैसे कहें टिट फॉर टैट, जैसे आप जो करते हो उसी को आप भोगना पड़ता है, फिर उसी को आप वापस करना पड़ता है। जैसे कि आप समझो आप किसी से आप अमाउंट लिए हो बैलेंस, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको पिछले जन्म में उसको पूरा करना है। इसी तरह जो कुछ भी होता है वो जो भी आप बैलेंस इनकम्प्लीट जब आप अपने लाइफ में रोक कर चले जाते हो, अगले जन्म में आपको उसको पूरा करने के लिए डेफिनेटली आपको इस दुनिया में आना पड़ता है और उसी जरिए से आपको उसको पूरा कर कर ही जाना पड़ता है। और जब मैं जैसे जाकर समझ में आया कि जो बच्चे जो है वो उनके फादर को जैसा जो किया है तो मुझे लगा कि प्रीवियस में शायद इन्होंने उसके साथ कुछ किया होगा, तभी जाकर शायद उन लोगों ने ऐसा किया है, इतनी क्रूरता के साथ हुआ है। तो फिर मैंने एक थॉट रिलीज किया, मैंने कहा कि मास्टर्स जो भी उनके साथ अब ये हुआ है, जो अभी जो इंसिडेंट हुआ है ये फिर से रिपीटेड होगा जब तक ये कोई ना कोई इन तीनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को क्षमा नहीं कर देगा तब तक हर जन्म में ये रिपीट होती ही रहेगी। मैंने बस यूनिवर्स से मैंने एक ही रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैं हीलिंग करती थी, मैं उस मार्ग में चली थी, मैं बस नेचर से, मैंने गुरु से, मैंने विश्व से, मैंने परमात्मा से रिक्वेस्ट किया था, हे गुरुदेव, हे विश्वात्मा, आप जल्द से जल्द उन लोगों को कोई जरिया दिखाइए, कोई ज्ञान मार्ग दिखाइए, ताकि इन तीनों में से किसी न किसी को एक नॉलेज मिले और वो एक दूसरे को क्षमा कर दे, ताकि ये जो कर्म है यहाँ पर रुक जाए। क्योंकि इतनी क्रूरता अच्छी नहीं होती है, ये हिंसात्मक जीवन अच्छी बात नहीं होती है। ये परमात्मा ने जो जीवन दिए है हर जन्मों से भी उत्तम जन्म जो है मनुष्य का जन्म है। जो अवसर जो मनुष्य को मिला है वो पशु पक्षी को नहीं मिलता, कीड़ों मकोड़ों को नहीं मिलता, पत्थरों को नहीं मिलता, पेड़ पौधों को नहीं मिलता, क्योंकि हम जो है हर बात को हम भावना के प्रति सबको हम बता सकते हैं कि हमें क्या फील हो रहा है। हमें स्पर्श ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, हम दिल की बात सबको बता सकते हैं। क्या कोई पक्षी अपनी तकलीफ को किसी को बता सकती है कि मेरे साथ ये हुआ? क्या कोई पेड़ पौधा बता सकता है आज मैं भूखा हूँ, आपने मुझे पानी नहीं दिया? लेकिन इंसान एक वक्त में अगर खाना नहीं मिले तो फौरन कहता है कि मुझे भूख लगी है, माँ मुझे खाना दे दो। क्या कोई पक्षी कह सकता है? इंसान हर तरह की सुख भोग सकता है, वो फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, फाइनेंशियली हो, क्या कोई पक्षी जी सकता है ऐसा? उसे क्या पता दौलत क्या है, उसे क्या पता कि रंग रूप क्या है? क्या उसे पता कि इतने बड़ा घर बनना है उसको पता है कि आपको इतना बड़ा महल बनना है, कार में घूमना है, आप जेवर सोने के जेवर पहनी है, चारों में हाइक, लोगों के सामने आपको एक स्टेटस सिंबल बनना है, क्या उसे पता है? आप पढ़ाई कर सकते हो, क्या वो पढ़ाई कर सकता है? उसका सिर्फ छोटा सा वर्ल्ड है, वो सिर्फ इतना जानता है उसके ऊपर एक परमात्मा है जिन्होंने उसको पैदा किया है, वो उसकी रक्षा करते हैं हर दिन उसका खाना। क्योंकि हम लोग कहीं से भी, हम लोग कहते हैं ना इंसान जो है भूखा जो है वो चोरी कर कर भी खा सकता है, क्या कोई पक्षी खा सकता है? हर दिन हर वक्त का उसका खाना खुद ढूंढना पड़ता है। हम लोग मेहनत करके पैसों के जरिए हम खाना ले सकते हैं, लेकिन क्या कोई पक्षी ऐसा कर सकता है? उसको जगह जगह घूमना पड़ता है, पक्षी हो जानवर हो उसको उस वक्त तक खाना मिल जाए उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्या वो हमारे तरह जाकर कहीं मेहनत करके ला सकता है? भूखा होगा हम चोरी भी कर सकते, लेकिन वो भी नहीं कर सकता। उसको जब बीमार होता है हम लोग जो वो दवाई भी नहीं जाता, वो अपने आप नेचुरली हीलिंग हो सकता है, हो जाता है, खुद को हील करता है, लेकिन हम फौरन भाग जाते हैं हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के पास, क्योंकि हमारे पास जरिया है, पैसा है, हम जानते हैं हमारे पास विचक्षणा है, अच्छे बुरे की फ़र्क है, हमें ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, पढ़ाई का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, अंतर ज्ञान है, हम सब बचपन से जहाँ हम पैदा हुए जहाँ हम देख रहे हैं वो समाज का ज्ञान भी है। कि किसी पक्षी पक्षी को जंतु को ज्ञान देते हुए आपने कभी सीखा, कभी देखा नहीं? क्यों? वो मूक जीव होने के बाद भी वो यूनिवर्सल से के साथ कनेक्ट होते हैं, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो समझ जाते हैं कि उनके लिए क्या चाहिए, उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए, वो अपने आप हीलिंग कर लेते, अपने आप अपना खाना लेते, अपने आप सब कुछ करते, तो फिर इंसान क्यों नहीं? ये मेरा सवाल था। और वो जो कर्म सिद्धांत का जो बुक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि तब मैंने सीखा कि नहीं, आज के बाद थोड़ा बहुत जो भी हो किसी को कोई कष्ट नहीं देना है, कर्म नहीं करना है, कर्म सिद्धांत को रिपीट नहीं करना है, किसी को अपनी बातों के जरिए से ना किसी हरकतों के जरिए से किसी को कष्ट नहीं देना है।
जो भी है आप देते जाओ देते जाओ देते जाओ, आप बियॉन्ड अनकंडीशनल आप सबको देते जाओ। मास्टर जो सबका जो ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड का जो परमात्मा जो ऊपर बैठा है वो आपका पालनहार है, वो आपका देखभाल करेगा। बस इतना करना कि आप किसी को तकलीफ ना दो, किसी को परेशान ना करो। इसी तरह जब मैंने मेडिटेशन में बैठा तो मैंने देखा कि मेरे जो कह रहे थे स्टार्टिंग में कह रहे कि मैं विष्णु भगवान को मैं क्यों इतना मानती हूँ, वो बात ये है कि मैं पहले जन्म मैंने जो मैं बहुत से जन्म थे, मैं हर जन्म में सिर्फ एक सन्यासी एक मॉन्क ही थी, मैं एक लड़का थी, मेरा कभी किसी जन्म में लड़की नहीं था, सिर्फ एक दो जन्म ही लड़की था। और मेरा एक जन्म था मीरा बाई जो कृष्ण भगवान की जो प्रेमिका थी, मैं उनकी प्रीवियस में से उनके साथ मेरा कनेक्टेड था। और मैं देखिए मेरा जो ये जन्म है, इस जन्म में मेरा जन्म जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था, इस जन्म में मेरा बर्थ भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था। मेरे हॉस्पिटल में जो बहुत सारे लड़के बहुत सारे लोग थे उसमें मैं एक गर्ल थी, वहाँ सब गर्ल्स थे, एक ही लड़का हुआ था उस दिन, वो कृष्ण भगवान पता नहीं वो कहाँ है, पर मैं इस जन्म में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुई थी। इसीलिए उनके थ्रू मेरे जो अंदर है जो प्रेम है, इसलिए शायद मैं मीरा बाई थी, उनको मैंने प्रेम से, मैं जब भी कृष्ण के भगवान के जो गाने सुनती थी, जो संगीत सुनती थी, नारायण जी के संगीत सुनती थी, मेरे अंदर अपने आप ढुलने लगती थी, अपने आप ही मैं अंदर ही मैं गाने लगती थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, मैं ऐसे गाती थी अंदर। तो मुझे जाकर पता चला कि शायद हाँ मेरे अंदर ये जो थी, इसलिए मैं ऐसे अपनी लाइफ में ले चुकी हूँ। इस तरह से मुझे उनसे कनेक्टिव भी था, और साथ में महावतर बाबा जी जो है मेरे प्रीवियस लाइफ से मेरे गुरु भी थे, क्योंकि वन ऑफ द लाइफ में मैं मिला रेपा भी थी, वो जन्म में मेरे जो गुरु थे वो उस लाइफ में मार्फा जी थे, वो मेरे गुरु थे। वो मुझे तब पता चला जब मैंने मिला रेपा का बुक पढ़ा था, जब मैं बुक पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ है, मेरी हिस्ट्री, मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं खुद को देख रही हूँ, ये मेरा ही तो है, मेरा चरित्र लिखा है, ये क्या है। वो जो मेरी जो उस लाइफ में जो मेरे जो संगनी जो मेरा सोल फ्रेंड था, वो अभी जो मैडम है ना जगन्नाथ गट्टू की जो मामा है वो थी, वो मुझसे पहले उन्होंने मुझे पहचाना। मैं पहली बार वहाँ गई थी कर्नूल जगन्नाथ गट्टू, मुझे मिलकर कह रही थी कि तुमने मुझे देखा, मुझे पहचाना, मेरी आँखों में आँखें डालकर देखो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं पूरे वो रात में थी वहाँ, जब पौर्णमी मेडिटेशन हो रहा था वो रात में वहाँ थी, वहाँ जगन्नाथ गट्टू में रात भर पौर्णमी मेडिटेशन चला था, मैं वहाँ गई थी। वो सवेरे जो वहाँ जो माउंटेन्स थे ऊपर जो हिल्स प्लेस था, मैं वहाँ ट्रैकिंग के लिए गई थी अर्ली मॉर्निंग 3:34 उस टाइम। वहाँ जाने पर मैं पता नहीं मैं क्यों ऐसे सोचा, मैंने एक थॉट रिलीज किया, मैंने कहा कि सब शायद आप समझिए कि एक पागलपन ये है, मैंने थॉट रिलीज कर रही है, मैं कह रही कि सब लोग पत्रिसार को करीब जाते हैं, पत्रिसार के पास जाते हैं, पत्रिसार उस वक्त बहुत गुस्से में थे, सबको मारते थे खींच खींच के। मैंने कहा कि मैं सोच रही अगर पत्रिसार का चांटा लगे तो कैसा होता है, मुझे सर फील हुआ था कि कैसा लगता होगा, कैसा दिखता होगा, कैसा पेन लगता होगा। मैंने थॉट रिलीज कर दिया, मैं पूरा ऊपर जो हिल्स था मैं सब घूमी, वहाँ बाबा जी बहुत सारे सोल्स थे, एनर्जी बहुत वंडरफुल एनर्जीज थे वहाँ पर, वो सब कुछ हो गया, मैं वापस नीचे आ गई। पौर्णमी ध्यान के अगले दिन की बात है ये, सुबह में उठ के मेटे ट्रैकिंग भी हो गया, नीचे भी आ गई, हम वापस जाने वाले थे, तो मैं नीचे आई, जो मेरे उस जन्म की जो फ्रेंड है जगन्नाथगढ़ की जो मामा, वहाँ जो बहुत सारे प्लांट्स थे, बहुत सारे ट्रीज फ्लावर्स सब थे, वो इतनी स्ट्रिक्ट थी फ्लावर्स के ट्रीज के मामले में, पत्रिसार को इसको हाथ नहीं लगाने देती थी। मैं क्या कर रही थी, अचानक से मैं वो सब देख रही थी, पिरामिड वगैरह देख रही थी, सुबह में सीनरी बहुत वंडरफुल ही था, बहुत खूबसूरत था। मैंने क्या किया कि मैं वहाँ से एक फूल तोड़ लिया, रोज़ फ्लावर लेकर देख रही थी, और नीचे धीरे धीरे आ गई। अगर मैं कह रही थी कि अच्छा मैं, उन्होंने देखा सीरियस हो गई, क्यों तोड़ा, कहाँ से मिला फूल, मैंने कहा कि बगीचे से तोड़ा। मैंने तो पूछा कि क्या हो गया तोड़ लिया, तो एक फूल ही तो है, तोड़े तो क्या हो गया। तो मुझे ज़ोर से खींच के एक थप्पड़ मारा, तो मैंने कहा क्या होगा मार लिया तो, मेरी आंखों से टिप 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 वाटर स्टार्ट हो गई, मैं थोड़ी देर साइलेंट हो गई थोड़ी देर, फिर उसने कहा
तुमने सुबह में कहा था ना पत्री सर, तुमने याद करो, तुमने सुबह कहा था तुम्हें ये चाहिए, तुमने मांगा था, वहाँ तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें मिल गया है ना, कैसा है अनुभव? अच्छा लगा? वो जो चाटा जो पत्री सर का था वो मैम के जरिए से मेरे गाल पे लगा, वो फूल काटने की वजह से। जोर इतने ज़ोर से लगा, मैंने सोचा कि मैडम के हाथ से जगह काट इतने ज़ोर से लगेगा तो पत्री सर से हाथ लगेगा तो कितने ज़ोर से लगेगा। मैंने लगा कि फिर आगे चल के अब कभी ऐसे थॉट रिलीज नहीं करना चाहिए, हमेशा इंसान को पॉजिटिव थॉट रिलीज करना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए। तब उस मैडम ने कहा कि तुम पहचानो मुझे कि मैं कौन हूँ, तुम मेरी आंखों में आके डाल कर देखो, तुम पहचानो सकोगी तुम कौन हो। फिर मैं वापस आ गई, उन्होंने कहा कि नीचे छोटा सा लेक है, आप नीचे जाओ, बहुत से देवताएँ आई हैं तुम्हें पूछ रही है कल से, तुम नीचे जाके किनारे में जाकर अपने हाथ पांव वॉश करके थोड़ी देर वहाँ बैठ के मेडिटेशन कर लो, बहुत से सोल्स आई है तुम्हें कल से पूछ रही है। तो मैं नीचे गई, वहाँ थोड़ा सा लेक था, अपने हाथ पैर धोए, मुँह सब धो लिए, कुछ देर मेडिटेशन में बैठी। फिर वापस आने के बाद मैं वो बुक पर आ गई तो मैं सोच रही थी कि क्या बात है, वो कह रही थी कि मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ, तुम जानती हो मुझे। फिर घर आने के बाद मैं सिटिंग में बैठी, फिर मैं अपना बुक पढ़ रही थी, मीला रेपा का जो बुक थे मैं वो पढ़ रही, टिबेट योगी मीला रेपा का जो बुक था मैं पढ़ रही थी। पढ़ते 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 मैं कब प्रीवियस में चली गई मुझे पता भी नहीं चला, मैं सिटिंग में बैठी तब मुझे जाकर पता चला कि हाँ मैं मीला रेपा हूँ, ये वही फ्रेंड है जो उस लाइफ में मेरी को फ्रेंड थी। तब मैंने उसको नंबर भी दिया था, मैंने उसको कॉल भी किया तो उन्होंने कहा हाँ अब तुम मुझे ठीक से पहचानी हो, हम दोनों सोल फ्रेंड्स थे, हम दोनों उस जन्म में दोनों एक दूसरे के साथ थे, हम दोनों उसके फ्रेंड्स थे। ऐसे वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ मेरे लाइफ में, मैंने बहुत कुछ स्कूल्स गए, बहुत से रैलीज भी किए, बहुत जगह हम कॉलेजेस में भी गए, स्कूल्स में भी गए, लोगों तो जब पॉम्पलेट्स हम डोर टू डोर जाकर पॉम्पलेट बांटते थे, मस्जिद में भी जाकर, क्योंकि हमारे यहाँ मस्जिद में लड़कियों का आना अलाउड नहीं था, फिर मैं मस्जिद में भी गई, उन्होंने पूछा तुम ये पॉम्पलेट दे रहे हो कह रहे शाकाहार बन जाओ, कि तुम बदल गई हो? तो मैंने कहा कि मैं बदल गई हूँ, मैं मुसलमान हूँ तो इसीलिए मैं पॉम्पलेट बांट रही हूँ, जब मैं बदल गई हूँ तो आप क्यों नहीं बदल सकते, मैं अपनी मस्जिद में जाकर आपकी, मैं आप ही के घर की बेटी हूँ, मैं आपको आकर कह रही हूँ कि मैं शाकाहारी बन गई हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, ये पॉम्पलेट्स मैं आपको दे रही हूँ, आप भी बदल जाओ। मैंने बहुत से स्कूल्स में कॉलेजेस में मस्जिदों में सब जगह जाकर मैंने पॉम्पलेट्स भी बांटा, बहुत सारी जगह मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज भी सबको बताया, कि रैलीज भी किए, वंडरफुल रैलीज, मेगा रैलीज भी हमने किए थे। पत्री सर के साथ बहुत ही वंडरफुल रिलेशनशिप रहा उस वक्त, जो मेडिटेशन जो पॉलिटिक्स था, हमने बहुत जगह जगह हमने रैलीज भी किए, हमने जगह जगह पर जाकर सबको बताया कि स्पिरिचुअल लोग अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो पूरे लाइफ कितना टर्न ऑफ हो सकता है, जो पूरा जो लाइफ है बाहर के लोग, जो बाहर के जो भी लोग जो पार्लियामेंट में हैं, बहुत से लोग पॉलिटिक्स में हैं, सब लोग अपने अपने स्वार्थ के थ्रू अपना मतलब के लिए सब काम करें। अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन, अगर पत्री सर का जो विश है कि कोई अगर इंसान अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक पर्सन अगर मेडिटेटर अगर वह एक पॉलिटिक्स में आ जाए तो सबके लिए अच्छा हो जाए, सब शाकाहारी बन जाए, वो अच्छे अच्छे फैसले ले, किसी जंतु किसी जीव का वध नहीं होगा, सबके लिए अच्छा, बहुत सारे पिरामिड्स जो हमारे जो विश था पिरामिड्स बन जाए, जगह जगह विश पिरामिड्स बन जाए, वो सारे काम हो सकते हैं। इस दो में हमने बहुत से कई दिनों तक हम लोग जाकर सब लोगों को ये बात बताई, सबको पॉम्पलेट्स बांटे, सबको ये घर डोर टू डोर जाकर सबको बताया। इस दौरान वो सब कुछ सबको हमने स्प्रेड किया, और वो जो रैलीज भी किए थे, स्पिरिचुअल जो पॉलिटिक्स था उस सब में हमने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और इसी थ्रू मेरी मैरिज भी हो गई, एक वंडरफुल पिरामिड मास्टर के साथ मेरी मैरिज भी हो गई, और पत्री सर के हाथों ही मेरे हाथ मेरा मैरिज हुआ 2010 जन्म चक्र में, उनके हाथों से मेरा मैरिज हुआ। फिर मेरी वंडरफुल लाइफ जर्नी हुई, फिर मेरा जो बेटा है वो महावतार बाबा जी का जो अंश आत्मा है, मैंने उनसे पूछा कि मैंने हमेशा यही चाह, मेरा जो माइंड हमेशा यही था कि मैं यूनिवर्स के लिए कुछ करूँ, मेरे लिए कैश नहीं है, मेरे लिए लोग नहीं है, मेरे लिए कोई चीज़ें ये नहीं करती, सब एक ही आत्मा है, सब एक ही तरह है, सब एक समान है, सब विश्व के लिए जुड़े हैं, सबके लिए कुछ अच्छा हो। इसी तरह मैंने भी चाह कि मेरा जो बेटा है वो मुझे विश्व के लिए चाहिए, मैं विश्व के लिए काम कर सकूँ, मेरा बेटा जो है वो यूनिवर्स के लिए काम करे, वो उसकी पढ़ाई उसकी नॉलेज उसकी जो कुछ भी हो सब यूनिवर्स के लिए यूज़ हो, दूसरों के लिए नहीं, सेल्फिश के स्वार्थ के लिए, खुद के लिए भी नहीं। तब जाकर मैंने बाबा जी से मैंने 40 डेज संकल्प ध्यान भी किया, करने के बाद मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आया,
जैसे होते हैं ना जिंदगी में हर तरह के उतार चढ़ाव होते, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ आए, मैंने सबको मैंने डे डे टू मैंने फेस किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने सबको फेस किया, लेकिन मैंने कभी अपना मेडिटेशन वर्ल्ड नहीं छोड़ा। मैं बाबा जी के दिए हुए मार्ग से मैं बहुत आगे भी गई, गुरु जी पत्री जी के दिखाए हर मार्ग पर मैंने कदम कदम पर मैंने बहुत से लोगों को डे टू डे मैंने सवाल भी किया कि आप पहले खुद को बदलो, आपके अंदर झांको, आप अंतरात्मा को चेंज करो, दूसरों को क्वेश्चन करने से, दूसरी को नीचा दिखाने से, किसी और को कम करने से कुछ नहीं होगा। आप आंखें बंद करके अपने आप अंतरात्मा को झांको, अंतरात्मा को सवाल कीजिए, आपको पता चलेगा कि सच क्या है, आत्मा का जो एनर्जी लेवल है वो क्या है। दूसरों को कम कर कर बात करने से कुछ नहीं होता। जन्म जन्मांतर का आप एक ही कर्म में रह जाएंगे, यही गलत और सही और झूठ और अच्छे बुरे के बीच में आप रह जाओगे, फिर जन्म लोगे, यही सब सिद्धांत चलेगा। तो फिर नॉलेज कब सीखोगे, सच का जो मार्ग हो आप कहाँ कब पहुँचोगे वहाँ, जो हज़ारों वर्ष से पुरातन काल से जो गुरुओं ने जो हमें सिखाया है। हमारा जो भारत देश है वंडरफुल देश है, जहाँ कई युग पुरुष है, जो श्री राम जी है, श्री कृष्ण जी है, कई कई लोग सीता माता है, द्रौपदी देवी है, हाँ रुक्मिणी देवी है, वंडरफुल मास्टर्स जो है वहाँ पर है, सती सावित्री जी है, कितने युग पुरुष युग लोग, कितने वंडरफुल मास्टर्स हमारे धरती में क्यों कदम रख चुके हैं, क्योंकि सब बताना चाहते हैं कि सब में एक ही परमात्मा है, हम सब एक ही आत्मा है, एक दूसरे से अलग नहीं है। अब क्रूरता द्वेषता से कुछ हासिल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कर्म के जरिए जो भी होता है फाइटिंग वॉर वो सब तो चलता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी बहुत से युद्ध किए, बहुत से लोगों को दुष्टों का नाश भी किया है, श्री राम जी ने भी दुष्टों का नाश, जैसे रावण जी का नाश किया है, जरिया सिर्फ सीता देवी बनी है, लेकिन एक्चुअली जो है दुष्ट का नाश किया है, वही कॉन्सेप्ट आप भी है। आप दुष्टों का नाश क्या है, दुष्ट का नाश इस वक्त जो हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है ना उसको नाश कीजिए, नेगेटिव जो सोच है किसी को जो नष्ट करने का, जीवों को नष्ट करने का, दूसरों को बुरा करने का। आपने देखा कि बहुत से देशों में बॉम्ब्स होते हैं, एक दूसरे को देश को नष्ट करते हैं, जापानीज ने ये बॉम्ब फैला दिया, पाकिस्तान में इतना बड़ा युद्ध हो गया, यही तो रावणाश कहीं नहीं है, रावणाश यही है हमारे आसपास, उस वक्त पर्टिकुलर रावणाश होते थे, इस वक्त ना आसपास लोगों में ही है रावणाश। हर इंसान में राम भी होता है रावणाश भी होता है, लेकिन अपने अपनी स्थिति अपने अपने ज्ञान के थ्रू वो एक एक समय पर एक एक बाहर आता है। अगर आप ध्यान करोगे, अपने अंतरात्मा को आप देखोगे, आप समझोगे कि नहीं हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, आज इतने पहले किया होगा अज्ञान के कारण किया होगा शायद, अब हम देख रहे हैं, हम सीख चुके हैं, हमें पता चला कि हमें नॉलेज के थ्रू चले, तो अपने अंदर के राम को आप बाहर ले आइए, अपने अंदर के सीता को बाहर ले आए, कि हर स्त्री में एक सीता माँ होती है, हर स्त्री में कुंती देवी भी होती है, हर स्त्री में एक माता भी होती है, सब होती है। हर स्त्रियों को तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, हर चीज़ हर स्त्री को समाज के साथ कदम से कदम भी चलना पड़ता है, लोगों को एक 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 सूत्र पर लेकर चलना होता है, बहुत से कष्ट होते हैं, बहुत से दुख होते हैं, सबको अंतर ही अंदर फेस भी करना होता है, समाज को कुछ मैसेज देना भी पड़ता है, खुद को प्रेजेंटेंस खुद के प्रेजेंटेंस को, क्योंकि एक स्त्री होना बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि इसीलिए तो पति सार कह रहे ध्यान में चक्र स्त्री महिला ध्यान चक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री शक्ति सब शक्तियों से वंडरफुल है, स्त्री शक्ति इज टू नेक्स्ट पुरुष शक्ति। सो एक स्त्री शक्ति को आप सबसे पहले खुद को सोचना है, खुद को समझना है, खुद को एक जागृत करना है, तब आप सबको अपने अंदर खींच सकते हो। जो वंडरफुल मौका स्त्रियों को मिला है वो किसी और को नहीं मिला है, इसीलिए मैं यही कहना, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि हिंसात्मक मार्ग से कुछ नहीं मिलता। आप ध्यान करें, आप देखें कि परमात्मा खुद आपके थ्रू अंदर ही अंदर आपके अंदर आते हैं, आपसे बात करते हैं, नक्षत्र लोगों के साथ आप बात कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, आप पूरे विश्व भर में आप लोगों से बातचीत कर सकते हो, सबको आप बहुत कुछ समझा सकते हो कि आप ये फिजिकल बॉडी जो आप अभी ले हो ये सिर्फ पहला नहीं है, आप कई वर्षों से कई जन्मों से आप बहुत से ज्ञान लेकर यहाँ आए हो, तो जब आए हो तो फिर इसको 100% फुलफिल करें, किसी को बुरा करके, किसी के साथ नष्ट करके, किसी के साथ हिंसा करके इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए सर ने आज सुबह में कहा था आप जानवरों से कुछ सीख बहुत कुछ सीख सकते हो, आप बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हो, आप मेडिटेट होकर नॉन मेडिटेट से बहुत कुछ सीख सकते हो, आप मौन रहकर आप जो बातचीत करते हैं उन लोगों से आप बात सीख सकते हो, आप एक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से एक नॉन वेजिटेरियन से सीख सकते हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए हमारी दुनिया में, जाने के लिए बहुत कुछ नॉलेज है आप सीखने के लिए, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो,
आज सिर्फ उठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ये सब चल रहा है। लेकिन आप अंदर अंदर के जो प्रयाण है, अपने अंदर जो जो जर्नी है, आप उसको स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके बियॉन्ड भी कुछ और है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, जो हमें उस परमात्मा से जोड़ता है, जो वहाँ से हम यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। इतनी सारे लाइफ्स लिए ले चुके हैं तो आपको और भी सीखने को मिलता है, सबको स्प्रेड करने को मिलता है, जो इंसान को मिला वो किसी और जीव को नहीं मिलता। तो आप इसको यूज़ करें, आप सबको मेडिटेशन के बारे में बताएं, सबको बताएं कि मेडिटेशन के थ्रू कि हम अपने अंदर इससे अंतर आवाज़ से, अंतर प्रयाण से आप ईश्वर के करीब जा सकते हो, आप विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड का। जैसे कहा था, ऐसे कई लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, बिलियन लोग हैं जिन्हें आज जिन्हें अभी तक मेडिटेशन के बारे में नहीं पता, सत्य के बारे में नहीं पता। ऐसे ऐसे देश भी हैं जहाँ आज भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जहाँ इंडिया में नहीं, फॉरनर्स में भी ऐसे लोग हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। वहाँ जैसे इंडिया में फार्मर्स है, वहाँ पर भी फार्मर्स है, वहाँ पर भी गरीब हैं, वहाँ भी ऐसे लोग हैं जिन्हें सच्चे का मार्ग नहीं पता, ईश्वर के बारे में नहीं पता। वो जो लाइफ है वो जी रहे, खा रहे, किसी को हिंसा करे, खा रहे, यही सब चल रहा है। लेकिन मेरी एक जो कोशिश है, मैं चाहती हूँ कि पूरे विश्व भर में जाऊँ, सबको बताऊँ कि परमात्मा ने ये कि जो लाइफ दिया है वो सबसे स्पेशल है, आप इसको दूसरों के लिए यूज़ करो। इसे सब में प्रेम और शांति भावना मिले आपस में, जो क्योंकि सब में वन ऑफ द सोल है। आप जानवरों में भी वही सोल है, हम लोग में भी वही सोल है, लेकिन शरीर बदलता है, आत्मा तो सब में एक ही है। परमात्मा में जो है वही आत्मा हमारे अंदर भी है। आप सबको प्रेम करो, सबको प्रेम भाव से देखो, इक्वलता में देखो, सबको एक समान देखोगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। रिलेशन्स आपके अच्छे हो जाएंगे, आप किसी भी जीव जिंदगी को आप नष्ट नहीं करोगे, आप किसी को बुरा नहीं चाहोगे, किसी के साथ आप बुरा नहीं करोगे, आप विश्व के लिए काम करना चाहोगे, विश्व के, क्योंकि सब में आप ही हो जाओगे, आप में सब दिखाई देगा, आप उसे अलग नहीं होगे। जो ईश्वर के लिए आप कहीं जाकर तपस्या करके वहाँ जाकर यहाँ जाकर वो सब नहीं है। आप यहाँ बैठो, आँखें बंद करो, आप मेडिटेशन करो, आप धीरे धीरे अपने अंदर जनरल जर्नी करो तो आपको पता चलेगा कि अपने अंदर जो ईश्वर, अंदर जो आत्मा है वही ईश्वर अपने अंदर है। मैंने वही सीखा, मैंने अपने लोगों में मैंने वही स्प्रेड किया, मैंने बहुत से लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताया, अपने रिलेशनशिप में बताया, मैंने बहुत से क्लासेस में बताया, मैंने फ्रेंड सर्कल्स में बताया कि ये नॉलेज है। मैंने हम लोगों ने मिलकर पिरामिड्स भी बनवाए, लोगों से फंड डोनेट करके मैंने पिरामिड भी बनवाने खवाए बहुत से लोगों। हमने जो थ्री स्टेज बिल्डिंग्स है उसके ऊपर हमने पिरामिड बनवाने खवाया था। पत्री सार आए थे वहाँ इन्विटेशन करें उस इनॉग्रेशन पर। हमारे यहाँ करीब 9 पिरामिड हैं, छोटा सा शहर है विजयवाड़ा में, वन ऑफ द पार्ट सिंह नगर है। करीब 9-10 पिरामिड बने, हम लोगों ने मिलकर सबको ऐड करके हमने वहाँ पिरामिड बनवाया। जिससे कई लोग जो नए लोग आते हैं, बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे, जो कॉलेज के बच्चे, जो पढ़ाई में जो डिस्टर्ब होते हैं बचपन से, कुछ बच्चे जो फास्ट होते, कुछ बच्चे स्लो होते, हम स्कूल में जाकर प्रिंसिपल सर से बात किया, उन लोगों से कहा कि अभी यहाँ पिरामिड आप स्थापित करो, बच्चों को पढ़ाई में बहुत जनरल आप फौरन उनको चेंजेस मिलेंगे, वो पढ़ाई में सुपर होंगे। फिर हम स्कूल में जाकर सबको मैं हमने क्लासेस लिया, वन ऑफ द पीरियड हम हर डे आपको वहाँ जाकर हम क्लासेस बोलते थे। बच्चों को लेकर आए, हमने सबको हमने बिठा कर चक्रास का मेडिटेशन भी करवाया, बच्चों की तो वंडरफुल एक्सपीरियंस थी। अब सब लोग बेटर है ना पढ़ाई में, बच्चे डाउन अप थे पढ़ाई में, सारे बच्चे हाईएस्ट रेंज में हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग को अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रही है, वो मास्टर से बात करते हैं, एंजल से बात करते हैं, चक्रास उनकी एक्टिविटी होती है, ग्रुप मेडिटेशन, उनको बुक्स भी दे बांटते हैं, वो पढ़ा वो बुक्स के साथ भी उनको बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है, वो जगह जगह पर सब कुछ करते हैं, सबको एक वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर्स के साथ बहुत अच्छा सा सबको स्प्रेड किया, बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे स्पिरिचुअल जो मेरी जो जर्नी है, मैं थैंक्स हूँ पत्री सर और मेरे पेरेंट्स को भी, क्योंकि उनके जरिए मैं इस दुनिया में आई, इस लाइफ में आई। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कहीं और होती, किसी दूसरे शहर में होती, किसी दूसरे मुल्क में होती, लेकिन मेरे पेरेंट्स के थ्रू मैं यहाँ इस दुनिया में आई, यहाँ पैदा हुई। मैं रिस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ मैं एक इंडिया में पैदा हुई और मैं यहाँ आने के थे मेरे माता पिता के जरिए मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने को मिला। और थैंक्स टू गुरुदेव मावतर पत्री जी सर एंड मावतर बाबा जी सर एंड पत्री सुभाष पत्री जी सर, वो मेरी लाइफ में हमेशा जैसे कहते हैं ना एक पिलर थे, हर मोड पर, हर कदम पर वो हर जगह जगह पर मेरे सपोर्ट करते थे। जब भी मैं डाउन होती थी वो मुझे फौरन मिलते थे, मुझे कहते थे कि बेटा तुम यहाँ
ऐसा हो तो तुम आगे जाके देखो, दूसरे मास्टर्स को देखो, वो तुम्हें गाइडेंस देंगे, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते थे कि तुम्हें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर रोज़ ड्रीम में उनको देखती थी, स्पीचर बहुत कुछ करती थी। सो इस जरिए उन सबको मिलने का मौका मिला, मास्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला और मेडिटेशन क्लासेस रैलीस के जरिए मैंने दूसरों को, जीवों को भी रक्षा करने का मौका मिला। और जो PMC चैनल के थ्रू हम लोग जूम क्लासेस भी किए, बहुत से मास्टर्स थ्रू आउट वर्ल्ड, सबसे मिलने का भी मौका मिला, सर से मिलकर इतना वंडरफुल जर्नी मुझे मिला। मैं चाहती हूँ कि और भी कई लोग, सबको मौका मिले, सब जाने, सब पहचाने कि जो मेडिटेशन वर्ल्ड है, जो PMC चैनल थ्रू, जो सबको, जो जो लोग नहीं जानते वो लोग भी मिले, उनको भी जाने कि मेडिटेशन जो वर्ल्ड है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सबसे अद्भुत है। आप सब खुद को जान सकते हो, खुद को पहचान सकते हो, अंतर से आप क्या हुए आपको जानने का मौका भी मिलेगा। और वंडरफुल है जो लाइफ जर्नी में, जो स्पिरिचुअल जर्नी, जो मेरी पर्सनल जर्नी इतना अच्छे से हुआ, ये सब मास्टर्स और गुरुदेव पत्री जी सर का ब्लेसिंग्स है। और मेरी लाइफ में जो भी मेरे फ्रेंड्स आए हैं, बहुत से लोग जो मेरे एग्नेस जो लोग थे वो भी आए, मैं सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा, गुरुओं से मैंने बहुत कुछ सीखा, लोगों से मैंने बहुत सीखा, मैंने स्पिरिचुअल लोगों ही नहीं आउट ऑफ लोगों से भी मैंने बहुत नॉलेज सीखा। सब ने मुझे एक टीचिंग देकर मेरे मुझे खुद को डेवलप होने का बहुत अच्छा मौका मिला। इस जन्म में सबकी आभारी, मैं सबको थैंक्स कहती हूँ मेरी इतनी वंडरफुल जर्नी मेरे साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच।